इतना चाहते हैं, 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 कितना चाहते हैं, कहाँ बताएं, सीना चीर के दिखाएं बजरंग बली जैसा। के द्वारा हर कोई इनके जीवन को करीब से जान पाया है। बिहार के छोटे से गांव गह लौर का रहने वाला दशरथ ने इतना आश्चर्यजनक कार्य किया है जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। उन्होंने अपने छोटे से गांव से शहर तक का रास्ता बनाने के लिए 60 फीट लंबे 30 फीट 25 फीट ऊंचे पहाड़ को तोड़ डाला और रास्ता बना दिया। जन्म से लेकर जीवन तक का सफर दशरथ का जब जन्म हुआ था तब देश अंग्रेज का गुलाम था। पूरे देश के साथ साथ बेहतर हालत थी। 1947 में देश तो आज़ाद हो जाता है लेकिन उसके बाद धनी लोगों की गिरफ्त में चला जाता है। हर तरफ अमीर जमींदार अपना हक जमाए रहते हैं और बिना पढ़े लिखे गरीबों को परेशान करते हैं। दशरथ का परिवार भी बहुत गरीब था। एक एक वक्त की रोटी के लिए उसके पिता बहुत मेहनत करते थे। दशरथ का बाल विवाह भी हुआ था। आज़ादी मिलने के बाद भी गहलोर गांव में ना बिजली थी, ना पानी और ना ही पक्की सड़क। उस गांव के लोगों को पानी के लिए दूर जाना होता था। यहां तक कि अस्पताल के लिए भी पहाड़ चढ़कर शहर जाना होता था जिसमें बहुत समय भी लगता था। दशरथ के पिता ने गांव के जमींदार से पैसे लिए थे जिसे वह लौटा नहीं पाए थे। बदले में वह अपने बेटे को उस जमींदार को बधुआ मजदूर बनने को बोलता है। किसी की गुलामी दशरथ को पसंद नहीं थी इसलिए वह वहां गांव छोड़कर भाग जाता है। अपने गांव से दूर वह धनबाद में कोयले की खदान में काम करने लगता है। 7 साल तक वह वहां रहने के बाद उसे अपने परिवार की याद सताने लगती है और फिर वह गांव लौट आता है। 1955 के लगभग जब वह गांव लौटता है तब भी वह कुछ नहीं बदलता है। वह अब भी गरीब जमींदार होते हैं। गरीब जमींदार ही होते हैं। वहां ना सड़क है ना बिजली जैसी सुविधा पहुंच पाती है। दशरथ के इस गांव में छुआछूत जैसी कुप्रथा भी रहती है। दशरथ की माँ अब तक गुजर चुकी है होती है। अपने पिता के साथ वह जीवन बसर करने लगता है। तभी उसे एक लड़की पसंद आती है। ये वही लड़की होती है जिससे उसकी बचपन में शादी होती है। मगर अब लड़की का पिता उसकी बचपन की शादी को नहीं मानता है क्योंकि उसके हिसाब से दशरथ कुछ काम धाम नहीं करता। अपने प्यार के खातिर वह फलोनिया को भगा के ले आता है। दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह जीवन बिताने लगते हैं। दशरथ को एक बेटा भी होता है। 1960 में दशरथ की पत्नी एक बार फिर गर्भवती होती है। उस समय दशरथ को पहाड़ के उस पार कुछ काम मिल जाता है। फगुनिया रोज उसे खाना देने जाती है। एक दिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। दशरथ के गांव में कोई अस्पताल न होने के कारण वह बड़ी मुश्किल से बाहर चढ़ के उसे शहर ले जाता है जहाँ वह एक लड़की को जन्म देती है लेकिन खुद मर जाती है। दशरथ इस बात से बहुत आहत होता है और फगुनिया से वादा करता है कि वह इस पहाड़ को तोड़ रास्ता जरूर बनाएगा। 1960 से शुरू हुआ दशरथ का यह प्रण एक हथौड़े के सहारे था। दशरथ मांझी द माउंटेन मैन कहानी। रोज़ सुबह उठकर दशरथ अपना हथौड़ा उठाए पहाड़ तोड़ने निकल जाता था। वह ऐसा काम करता जैसे इस दुनिया में पैसे मिलते हो ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। पहाड़ तोड़ू कहने जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। उसका पेट भी भर देता था। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और गांव में सूखा पड़ जाता है। तब वह छोड़कर जाने लगते लेकिन दशरथ नहीं जाता है। वह अपने पिता और बच्चे को भेज देता है। सूखे के मारे दशरथ को गंदा पानी और पत्तियां खाने से गुजारा करना पड़ता है। समय के साथ सूखे के दिन बीत जाते हैं और सब गांव वाले लौट आते हैं। अपनी जमीन और दशरथ को पहाड़ तोड़ते देख आश्चर्यचकित हो जाता है। आपातकाल का समय 1975 में पूरा देश प्रभावित हुआ था। सब जगह हाहाकार हो गया था। बिहार के सरकार का हासिल कर ऐसा शिखर पर
गुरबत की भी नजरें उठे आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल की भी नजरें उठे आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल सिर्फ दशरथ की मेहनत रंग लाती है और पहाड़ टूट कर रास्ता बन जाता है।